बात हम सियाचिन के बर्फीले तूफान में शहीद हुए लांस नायक हनुमंथप्पा को कर्नाटक के धारवाड़ में उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जा रही है। हनुमंथप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए जैसे पूरा धारवाड़ उमड़ पड़ा है। सेना ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ अपने इस वीर सपूत को विदाई दी। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच उनका पार्थिव शरीर हुबली स्थित नेहरू स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद करीबन 10 बजे उनका पार्थिव शरीर धारवाड़ स्थित उनके गांव ले जाया गया, जहां पूरा गांव लगभग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। गांव में अंतिम दर्शन के बाद अब से कुछ ही देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और धारवाड़ की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर इस वक्त जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। धारवाड़ के जितने भी लोग हैं वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं इस वीर सपूत के, वीर जवान के। रोहिणी स्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे धारवाड़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोहिणी, अब से कितनी देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी की जाएगी? जी, अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और चूंकि वो लिंगायत है, लिंगायत संस्कार के अनुसार उनको दफनाया गया है। और अगर मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे बेटूदूरु करके गांव में जहाँ मैं खड़ी हूँ धारवाड़ में, यहाँ पे सिर्फ धारवाड़ से नहीं बल्कि हुबली से और आसपास के गांव से यहाँ पे लोग, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जब उनकी ये अंतिम संस्कार हो रही थी और जिस तरह से उनके सम्मान हो रहा था, जय जयकार के बीच में लोग यहाँ पे कहते हुए कि जय किसान जय जवान कहते हुए जय जयकार के साथ उनकी अंतिम संस्कार हुई थी। ये पूरी जो ये उनकी अंतिम संस्कार पूरी हो चुकी है, और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में इसी जगह पे एक स्मारक बनाया जाएगा। जी, वहाँ पर आपके साथ काफी संख्या में गांव वाले भी मौजूद हैं, और जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं, लग रहा है कि पूरा का पूरा धारवाड़ इस वक्त नम आंखों से लांस नायक हनुमंथप्पा को आखिरी विदाई दे चुका है। और अब से कुछ ही देर पहले वहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, वहाँ पर जय जवान के नारे लगाए गए। रोहिणी, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहाँ पर काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े, पूरा का पूरा धारवाड़ जैसे कि वहां पर मौजूद था। जी, मैं लोगों से बात करना चाहूंगी और उनसे पूछना भी चाहूंगी। हनुमंथप्पा अगर आप जानते हो उनको, आप उनको जानते हो यहाँ पे हनुमंथप्पा बगे जो हमारे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ लांस नायक हनुमंथप्पा को आखिरी विदाई दी गई। और इस मौके पर बड़ी संख्या में वहां पर सेना बल भी मौजूद था, राइफलों से पूरे राजकीय सम्मान के साथ लांस नायक हनुमंथप्पा को विदाई। लांस नायक हनुमंथप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है, नहीं रहे लांस नायक हनुमंथप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंथप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी, 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Now, Mr. Rijiju, we are looking at a lot of awards वापसी that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.